पहली नजर में तुमने उसे पसंद कर लिया और उसने तुम्हें, और इस लव एट फर्स्ट साइट को तुम मोहब्बत कह रहे हो तो हो सकता है तुम गलत हो, क्योंकि यार पहली नज़र में तो हमें एंटीक चीज़ें भी पसंद आ जाती हैं, पर हम उसे घर में रखते हैं दिखावे के लिए, बस क्योंकि देर रात तक तुम दोनों ढेर सारी बातें करते हो और इसे तुम मोहब्बत समझते हो, तो हो सकता है तुम गलत हो, क्योंकि यार अकेलेपन के मारे तो दो अनजान मुसाफिर भी एक दूसरे से बात कर ही लेते हैं। अरे अगर किसी लड़की को देख के वो तुम्हारा हाथ पकड़ लेती है और किसी लड़के को देख के तुम उसका, और इस क्यूट जेलेसी को तुम मोहब्बत कह रहे हो सकता है तुम गलत हो, क्योंकि यार परिंदों को पकड़ा जाता है पिंजरों में कैद करने के लिए, उन्हें आज़ाद करने के लिए नहीं, बस क्योंकि अब तुम दोनों एक दूसरे की बातों को समझ पा रहे हो और इसे तुम मोहब्बत कहते हो सकता है तुम गलत हो, क्योंकि याद रखो दो भूखे भिखारी भी एक दूसरे की भूख समझ सकते हैं पर मिटा नहीं सकते। अरे अगर तुम एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हर महीने कर रहे हो और इसे तुम मोहब्बत कहते हो सकता है तुम गलत हो, क्योंकि दास्तान इश्क को बयां करने के लिए साल का कोई नंबर नहीं चाहिए होता। अरे बस क्योंकि तुम उसके इंस्टा स्टोरीज का और वो तुम्हारे स्नैप स्टोरीज का हिस्सा बन चुकी है और इसे तुम मोहब्बत कह रहे हो सकता है तुम गलत हो, क्योंकि यार मोहब्बत को फिल्टरों के साथ सेव नहीं किया जाता, उसे बस उसी लम्हे में जिया जाता है। हाँ लेकिन अगर जिस्मों में उलझने से पहले तुम उसकी जुल्फों में उलझना चाहते हो, अगर वो बेखौफ अपना बचपना तुम्हारे सामने जाया कर देती है, अगर उसके कपड़ों के बेपर्दा होने से पहले तुम अपने सारे राज उसके सामने खोल दिए और उसने भी अपने सारे डर का जिक्र तुम्हारे सामने कर दिया है, अगर उसका हर आंसू तुम्हारे ही कमीज पे बहता हो और तुम्हारे मुस्कान की वजह उसकी नादानियाँ ही हो, तो शायद नहीं यार यही प्यार है। और अगर ये प्यार तुम्हें मिल गया है तो इसे पकड़ लो, जकड़ लो, गले लगा लो और जहाँ मौका मिले बस इसे कहते रहो कि तुम इससे कितना प्यार करते हो, क्योंकि ऐसी मोहब्बत से मुलाकात होने में ज़िंदगी का एक काफ़ी लंबा अरसा बीत जाता है।